स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है कि जम्मू में सक्रिय आतंकी दिल्ली या उसके आसपास के इलाकों में आत्मघाती हमला करने की फिराक में है। दिल्ली के अलावा पंजाब में भी सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है। उग्रवादियों के बीच हुई बातचीत के आधार पर खुफिया एजेंसियों ने इनपुट जताया है। एजेंसियों का कहना है कि ये ज़रूरी नहीं कि ये हमला स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ही हो। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दिन भारी सुरक्षा दस्ता हर जगह तैनात रहता है, लेकिन ऐसे में एक या दो दिन बाद आतंकी हरकत कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों का कहना है कि जम्मू कश्मीर के कठुआ में देखे गए दो संदिग्ध के दिल्ली की ओर मूवमेंट करने की आशंका जताई जा रही है। इन लोगों के पास हथियार भी मौजूद थे। आशंका है कि ये लोग पठानकोट की तरफ गए हैं और वहां से दिल्ली की ओर भी निकल सकते हैं। यही नहीं, सुरक्षा बलों और एजेंसियों को आशंका है कि आतंकी अमरनाथ यात्रा को भी निशाने पर ले सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली में अहम प्रतिष्ठा संस्थानों को भी टारगेट किया जा सकता है। बीते कई सालों से आतंकियों पर लगाम कसने में सुरक्षा बल एजेंसियों को काफ़ी सफलता मिली है। अलर्ट में कहा गया है कि भारी भीड़ वाले इलाकों और आतंकी निशाना बना सकते हैं। दरअसल ये अलर्ट ऐसे समय जारी किया गया है जब कश्मीर के मुकाबले शांत कहे जाने वाले जम्मू संभाल में आतंकियों की हरकतें बढ़ी। कठुआ, डोडा, उधमपुर और रजौरी जैसे जिलों में आतंकी हमले बढ़ गए हैं। अभी आशंका भी है कि ये आतंकी पंजाब और दिल्ली की ओर बढ़ सकते हैं। दिल्ली में हमला करके आतंकी ये संदेश देना चाहते हैं कि राजधानी अब भी उनकी पहुंच से दूर नहीं है। पहले भी कई बार इनपुट आ चुका है। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन ने दिल्ली पर हमले की योजना बनाई थी। दिल्ली और पंजाब के अलावा जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। लाल चौक जैसे इलाकों में सुरक्षा बल मौजूद है। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।